मैं नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे प्रोग्राम को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर प्रत्येक वीडियो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी आपके सहयोग के लिए मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। आप लोग के सुविधा के लिए एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, गुरु बुद्ध केतु की युक्ति। गुरु बुद्ध केतु का देखें खेल आपके कुंडली में अगर है तो आपके साथ क्या इसका व्यवहार है। जिसके कुंडली में गुरु बुद्ध केतु लग्न में है ऐसे लोग मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं, स्वास्थ्य इनके गड़बड़ रहते हैं, आलसी रहते हैं और मानसिक पारिवारिक जीवन के कारण इनको कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में गुरु बुद्ध केतु की युक्ति हो, ये अकारण कर्जदार हो जाते हैं, अकारण धन की हानि होती है और धन के कारण इनकी इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद होती है। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में गुरु बुद्ध केतु की युक्ति हो ऐसे लोग एक अच्छे परिवार में नहीं पैदा होते हैं, माता पिता से सहयोग नहीं मिलता है, भाई बंधुओं से नहीं सहयोग मिलता है और माता पिता भाई बंधुओं से इनका विवाद बनते रहता है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में गुरु बुद्ध केतु की युक्ति हो ऐसे लोग पूर्ण तेजस्वी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, राजा के समान सुख पाते हैं, अच्छा संस्कार पाते हैं और देश के अंदर अच्छी यश कीर्ति पैदा करते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में गुरु बुद्ध केतु की युक्ति हो ऐसे लोग न्यायिक बनते हैं, विदेश में काम करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेखक होते हैं, पत्रकार होते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में गुरु बुद्ध केतु की युक्ति हो ऐसे लोग शत्रु के कारण इनकी इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद होती है और जिद्दी क्रोधी होते हैं, जिसके कारण कभी जेल जाने की भी संभावना होती है। जिसके कुंडली में सातवें भाव में गुरु बुद्ध केतु की युक्ति हो, महिला है तो पति से, पति है तो पत्नी से, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन कभी सुखदायी नहीं रहता है। जिसके कुंडली में आठवें भाव में गुरु बुद्ध केतु की युक्ति हो यह स्वास्थ्य के कारण ये अच्छे जीवन का व्यतीत नहीं होता है, ऐसे लोग को उदर रोग से, बीपी से, डायबिटीज से ऐसे लोग रोगी परेशान रहते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में गुरु बुद्ध केतु की युक्ति हो ये सम्मानजनक इज्जत जीते हैं, अच्छा पद पाते हैं, सरकार से पूजे जाते हैं, संसद और विधायक भी बनते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में गुरु बुद्ध केतु की युक्ति हो ऐसे लोग का भविष्य उज्ज्वल नहीं होता है, हमेशा संघर्ष करते हैं, कर्जे में डूबे रहते हैं और नौकरी वाले हैं तो सस्पेंड होते हैं, व्यापारी हैं तो लाखों का घाटा खाते हैं। जिसके कुंडली में ग्रहवें भाव में गुरु बुद्ध केतु की युक्ति हो ऐसे लोग मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, ऐसे लोग धन के कारण इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद होती है, शत्रु अधिक पैदा कर लेते हैं और कर्जे के कारण इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में गुरु बुद्ध केतु की युक्ति हो ये इनका सम्मानजनक जीवन रहता है, पूर्ण जीवन में सफल रहते हैं, हर तरीके से संतुष्ट रहते हैं, कभी भी इनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती है और चौथापन इनका सुखदायी जाता है। ये छोटा सा वीडियो मैंने गुरु बुद्ध केतु की युक्ति के बारे में बतलाया, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे मोबाइल पर संपर्क करिए, मैं सहयोग करूँगा। नमस्कार।